हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो चेक करें। तो अब आप लोगों को आइडिया हुआ ये वीडियो किस बारे में है। वो जो लास्ट सॉन्ग हमने किया था कोक स्टूडियो का पीछे हट, उसमें थी जस्टिन बीबी। तो मैं YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था और ये वाला इंटरव्यू मेरे पास आया है। उस टाइम से मैंने अभी तक नहीं देखा, मैंने कहा कि इस पे रिएक्शन वीडियो होनी चाहिए, तो अभी चेकआउट करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले आपको पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब। लेट्स गेट टू द वीडियो। यार मज़ा आ गया। कोक स्टूडियो सीजन 14। कोक स्टूडियो, हाउ डिड योर म्यूजिकल जर्नी बिगिन? हम पार्क में थे तो गानों का ऐसे फ्रेंड्स कंपटीशन कर रहे थे, तो बोला कि आप लोग इंग्लिश गाना नहीं गा सकते। तो हमने जस्टिन बीबर के फैन थे हम दोनों, जस्टिन बीबर के फैन। बेसिकली हम दोनों पढ़े लिखे नहीं जस्टिन बीबर, तो ऐसे वो गाना हमने सुनाया तो वो किसी ने वीडियो क्लिप बना लिया, हमें पता भी नहीं था। तो जब हम हमारे मोहल्ले में इंटर हुए तो एक शॉप पे ना टीवी पड़ा हुआ था ऊंचा सा, और उस पे वो न्यूज़ चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसे स्टॉप के पापा मार देंगे या पता नहीं क्या होने वाला है। हम इंटरनेट पे आ गए तो वो देख के इसे बोला, मैंने कहा देखो हमारे जैसी दो लड़कियां गा रही है, हमारे को हमारे जैसी गा रही, सूट भी मेरे जैसा पहना है नारी कलर में से, वो इतना कहती है पागल ये हमारे जैसी नहीं है, ये हम ही है। क्या सीन हो गया सच्ची में, और उस वक्त सच्ची में दिल से खौफ ज़दा हो गए थे। तो ऐसे मीडिया की पूरी कतार लगी हुई थी, फिर ऐसे करते करते हमें काफी सारे जगहों पे गाने काम मिले, अच्छे चैनल शोज किए हमने, बहुत अच्छे अच्छे। What struggles did you face along the way? दे रहे थे फ्रेंड्स, हे जस्टिन गर्ल, अबू को पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अबू को पता चल गया, अबू ने कुछ भी नहीं। मेरे चाचू ने कहा, चाचू थोड़ा गुस्सा वाले तो उन्होंने हमें थोड़ा गुस्सा किया। तो फिर मेरी फूफो ने मेरी अम्मी को दिलासा दिया कि क्या हो गया, जब इतनी ऑफर आ रही है तो गाने, तो इतनी देर में हमारा वीडियो पूरी दुनिया देखे जा रही थी। इनकी वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी, वो तो मैंने भी देखी थी। हो गया ठीक, गया दिलासा हो गया अम्मी को भी। तो जब फिर से न्यूज़ वाले आए तो मामा ने कहा चलो कर लेते हैं दस्ती। हमने भाई, हमारे पास कपड़े भी नहीं थे कसम से, हमने कपड़े लिए, किसी का सूट किसी का दुपट्टा। यार कसम, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू सिंग? हमारी जग रग में गाना है, रग रग में तो हमारा कल्चर ही राजस्थान है। रेशमा जी फैमिली से ब्लॉग, रेशमा जी के खानदान से। रेशमा जी, हु इज योर बिगेस्ट सपोर्ट? इसके पीछे मेरी माँ की जो दुआएं है ना, मेरी माँ की बहुत ज्यादा सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट। मेरी मामा ने समझ ले दुआएं मांग मांग के मामा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, किसी की सपोर्ट नहीं थी। How was it like working with? हम एक गाने का OST करने गए थे, तो ऐसे ही WhatsApp पे उनका नंबर आ गया, मैंने इंटरनेट से कहीं से लिया हुआ था, तो किसी ने वो देखा जिसकी तरफ हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा और बोला कि इनके टच में रहना। उन्होंने मैसेज किया कि आपको आपको हेलो आई एम हमारे लिए कोई काम अच्छा लगे या हमारे लाइक कोई काम हो तो आप प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा। वो तकरीबन आज से 2 साल पहले की बात है। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि वो इतने कदरदान है, उनको टैलेंट की इतनी पहचान है, याद था आज भी, वरना लोग बड़े बड़े वादे भूल जाते हैं और उनको वो छोटा सा मैसेज याद था। इस बात पे मैं बहुत खुश हुई और मुझे थोड़ा सा रोना भी आया। बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने हमें याद रखा है और उनके साथ काम करके भी हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा काम करके। और यार मुझे तो इन लोगों की स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा, सीरियसली यार। तो चेक किए क्या क्या हो जाते हैं इस दुनिया में, बस ये है कि आप लोगों के अंदर अगर कोई टैलेंट है या कुछ भी है तो वो बस मोबाइल उठाओ और वीडियो बनाओ, बस इतना सा। कुछ ना कुछ तो आपने भी करना है ना, अपना पार्ट आपने दिखाना है। जब आप दिखाएंगे तो उसके बाद ही कुछ होगा, दिखेगा तो बिकेगा। तो वही वाला सीन इनके साथ भी है। इनकी वीडियो जब वायरल हुई और वो भी
ये फ्रेंड्स कुछ कंपटीशन कर रही थी और वो वाला सीन है सारा। ये जब हम लोगों ने वो पीछे हट वाला सॉन्ग किया था उस पर रिएक्शन वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम मुझे था कि यार ये कौन है, जस्टिन बीबीज या कुछ ऐसा बड़ा अजीब सा नाम था, तो अब तो नाम बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था, उसमें इनका आया कि जस्टिन बीबीज, वही जो पुरानी वीडियो इनकी वायरल हुई थी वो वाली, तो वो मैंने चेक की और मैंने कहा भाई क्या सीन है यार, बहुत फिट है, बहुत फिट। इनकी आवाज़ भी अच्छी है और वाकई अच्छा है, ऐसे टैलेंट को सामने लाना चाहिए, और कोक स्टूडियो सिंगर्स के लिए बहुत फिट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस दफ़ा कितने नए आए, ऐसे ही प्रमोट होते रहे ये लोग भी, तो अच्छा है, नेशन के लिए अच्छा है। और बाकी कोक स्टूडियो तो भाई लेवल है तुम लोगों का, यकीन मानो। जुल्फी जुल्फी, तो भाई आज की ये थी वीडियो। अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो करते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।